जय हिंद साथियों। साथियों कितने दुख की बात है, जिन जवानों ने पूरी जवानी देश के लिए दे दी, आज वो अपने हक की लड़ाई पिछले 98 दिन से जंतर मंतर पर धरना के रूप में, सांकेतिक धरना के रूप में अपने साथ जो नाइंसाफी हुई है उनकी मांग उठा रहे हैं। कल कथा कथित कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों ने धरने को हाईजैक करने की कोशिश की और आज सरकार ने धरने पर बैठे शांतिप्रिय तरीके से घंटे दो घंटे के लिए बैठने वाले लोगों को बाय फोर्स कपिल फौजी को, नलिन तलवार जी को, बीबी वैष्णव जी को, अशोक कुमार जी को और उनके साथियों को जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया। ये कितने शर्म की बात है, फौजियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। और तो और इसके साथ देखिए कि नेशनल मीडिया पहलवानों की खबर तो दिखा रही है और वहीं से जो जवानों को उठाया गया है उसको कवर तक नहीं दे रही। आप देखें वहां पर जो हमारे लोकल रिपोर्टर थे, जो कुछ पत्रकार थे, उन्होंने जो वीडियो बनाई है जो सामने आई है, आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस शालीनता के साथ हमारे जवानों ने इतने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा। और आज पूरा दिन मैं व्यस्त था, कुछ मीटिंगें थी, जब मैं यहाँ पहुँचा मुझे पता चला तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपसे अपील कर रहा हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जंतर मंतर पर पहुँचे। अगर गिरफ्तारी देने की जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी देने से पीछे ना हटे, आप अनुशासन के साथ ही अपने धरने पर रहें, अपना टेंपर ना खोएं, संवैधानिक तरीके से रहें, जो हमारी मांगे वही मांगते रहें। कुछ भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ना कोई गलत बयानबाजी करनी है और ना ही किसी के लिए कोई असभ्य शब्द का इस्तेमाल करना है। आप सभी से अनुरोध है कि कल जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंतर मंतर अवश्य पहुँचें। ये हम सरकार को बिल्कुल सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों 3 अप्रैल और 30 अप्रैल को जिस शालीनता के साथ, जिस हुजूम के साथ पूर्व सैनिकों ने अपने ज्ञापन सौंपे, अब उसके बाद 30 मई यानी परसों का जो हल्ला बोल कार्यक्रम है उसको विफल करने के लिए, उसको फेल करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है। उससे पहले ही कल आपने उसकी झलक दिखानी है, उसकी झांकी सरकार तक पहुंचानी है। बस यही आपसे अनुरोध है, यही आपसे विनती है, लेकिन मान मर्यादा संविधान के तहत। अब वो क्लिप देखें जो जंतर मंतर से आई। सर आपने जाना है हमारा है, हम संविधान के बारे में है और बिल्कुल हम इनसे हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि सांकेतिक धरना चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। तो बड़ी कॉल होगी, पूरे देश के सैनिक आएंगे। आज भी बहुत सारे सैनिकों को रोका गया है, ट्रेनों में सारी जगह रोका गया है। तो हम तो अपना सांकेतिक, कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे सर। हम तो पुलिस के लाठियां मारे, जो गोली मारे वो पुलिस का काम है, हम तो सांकेतिक वहां बैठेंगे, सारी चीजें हम ये कह रहे हैं सर, आप जोड़ के कह रहे हैं हमने अभाव हमसे ज्यादा पुलिस वहाँ रखी है। हमारा सर आज आधे घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। अब आप प्लेस करते दिखाइए तमाम लोगों को यहाँ पर। सर किसानों का जो धरना चल रहा है उनको सबको मौसम में कानून बनाते हुए बसों में धकेला जा रहा है। अरे आप
और सभी पूर्व सैनिकों को जोर जबरदस्ती पत्थर में धकेला जा रहा है। चल रहा है, मैं उसी पे कहना चाह रहा हूँ। आपका भी धरना तोड़ दिया गया आज। दिल्ली में पूछेंगे तो यहाँ से डी टाइम क्यों किया गया? पूरे सैनिक आएंगे, ये बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी कॉल हो सकती है। आप लोगों को 144 धारा और पहलवानों का हवाला देके आपको ये तो आप प्रशासन से पूछो कि हमारे क्यों उठा, क्या करें? कल क्यों क्या करेंगे आप लोग? आपको नहीं छोड़ा जाएगा तो है सर, कल क्या करोगे आप? कल फिर हम तो गिरफ्तार हो गए। आंदोलन को जो हमारे सैनिक भाई है नेक्स्ट वो चलाएंगे, पर जो है सामाजिक तत्व है उनको ऊपर पूरा लगाम लगा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ हाँ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो हमें 28 लाख पूरे सैनिकों के लिए और जंतर मंतर को पूरी तरीके से भर दिया जाए, और ताकि ये जो दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस है जो इसे जाती की हमारे साथ, हमें अंदर नहीं जाने दिया है कि हम अपनी जगह पर जाके जहाँ बैठे हुए थे 97 दिनों से, वहाँ पर आराम से हमने इनसे कहा कि हमें ज़्यादा नहीं, मात्र आधे घंटे का समय दे दीजिए, हम वहाँ पर आधा घंटा चुपचाप बैठेंगे। हम अगर 15 आदमी हैं तो अपने 50 जवान हमारे आसपास खड़े कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती हमें घसीट के जो है गिरफ्तार किया है, और अब दिल्ली की सड़कों पर कहीं घुमाया जा रहा है, तो देखते हैं तिहाड़ पहुंचते हैं कहां पहुंचते हैं, तो वो देखा जाएगा। लेकिन मेरा अर्जुन सिंह जी आपसे ये निवेदन है कि पूरे देश के सैनिकों से कहा जाए कि वो लोग जनता मंदिर चले जाएंगे। सैनिक भाइयों, आंदोलन में विरोध भी आंदोलन का हिस्सा होता है, विरोध या असामाजिक तत्व या कुछ और तरह के आदमी घुसना और आंदोलन को कमजोर करना, ये आंदोलन का हिस्सा होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जो उन्होंने जो कुछ हुआ, जो हाथापाई करी, वो भी आंदोलन का हिस्सा है, क्योंकि वो आए हैं। अगली बार आप जब देखोगे तो उनसे भी कोई ऐसे आदमी आएंगे जिनके हाथ में लाठियां होंगी, उनके हाथ में पत्थर होंगे, जो हमारे सिरों को भी फोड़ेंगे और हमारे सिरों से खून भी निकलेगा। अभी तक तो आपने सिर्फ हाथापाई करी है, आगे तो आप देखते जाना कि क्या क्या करेंगे। जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब हम और कामयाबी की तरफ जाएंगे, हमारे रास्ते को भी रोकेंगे, हमारा सिर भी फोड़ेंगे, और हमारे को कहीं जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पे हमने को रोक के पीटेंगे, घसीटेंगे, सब कुछ करेंगे। पर डरना नहीं है, ये आंदोलन का हिस्सा है कि वो जितने वार करे, जितना पीटे, जो कुछ करे, जब हम पुलिस की लाठियां खा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से जो 98 दिन से धरना चल रहा था उनको बाई फोर्स जबरदस्ती 30 मई को होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम के भय से, डर से उनको जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया। ये सरासर गलत है, नाइंसाफी है, और उन जवानों के साथ जिन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए दिया, और आज भी इतने के बावजूद भी वो ना सरकार के खिलाफ, ना किसी नेता के खिलाफ, ना ही किसी अफसर के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मांग रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ये इन्फॉर्मेशन सुबह तक सबके पास पहुंच जानी चाहिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।